वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे कि आप सीख गए होंगे 2 लेयर्स तक, अभी नेक्स्ट आज अभी इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि ऊपर की तरफ का लेयर हम लास्ट लेयर का हम कैसे कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि पहले हमने वाइट से स्टार्ट किया था, तभी मैंने वाइट का पहले प्लस बनाया था, उसके बाद ये कॉर्नर पीसेस एडजस्ट किए थे। सेम वे हम एंड अप भी ऐसे ही करेंगे, क्यूब का पहले हम प्लस बनाएंगे, उसके बाद ये कॉर्नर पीसेस को सेट करेंगे। ओके, तो अभी मैं जो आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ उससे उसको आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस दिस स्टेट जो ओनली, ये यहीं पे ऐसा होता है। बाकी फॉर्मूलास अप्लाई करने के लिए आपको स्पेसिफिक पोजीशन सेट करनी पड़ती है, उसके बाद ही फॉर्मूला अप्लाई कर होती है। ओके, तो हम अभी एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे कि हम यहाँ पे ये येलो पीसेस हैं जो ऊपर आएंगे, और उसके बाद उनको एडजस्ट करने के लिए और एक फॉर्मूला होगी। तो पहले ये येलो को ऊपर लाने के लिए फॉर्मूला है फ्रंट राइट टॉप राइट इनवर्स टॉप इनवर्स फ्रंट इनवर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 पीसेस यहाँ पे सेट हो चुके हैं। उसके बाद जैसा कि आपने यहाँ से किया, सेम वे उसकी साइड में से एक बार ये मतलब ये सपोज आपका फ्रंट है तो ये लेफ्ट साइड अभी जाके ये सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए। फ्रंट या तो आप सॉरी एक यहाँ से अप्लाई एग्जैक्ट ऑपोजिट में से अप्लाई कीजिए। अगर यहाँ से आपने अप्लाई की तो उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट से अप्लाई कीजिए, ये इजी रहेगा ज़्यादा। फ्रंट राइट टॉप राइट इनवर्स टॉप इनवर्स फ्रंट इनवर्स, ये फॉर्मूला आपको नीचे कंटेन में मिल जाएगी। ओके, तो अभी अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑरेंज की साइड से ये अप्लाई करके ऊपर आप देख सकते हैं कि वाइट का ये स्ट्रेट लाइन बन गया। जैसे ही आपको ये स्ट्रेट लाइन मिल जाए उसके बाद एग्जिट उसके अपोजिट में जाती है वापस, यानी कि रेड पे वापस से ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। फ्रंट राइट टॉप राइट इनवर्स टॉप इनवर्स फ्रंट इनवर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका ऊपर का प्लस रेडी है बट वो कंप्लीट एडजस्ट नहीं है। अगर आप देखें तो ये वाइट रेड ओके है, वाइट ग्रीन ओके, येलो येलो ग्रीन येलो रेड ओके है, बट ये येलो ब्लू और येलो ऑरेंज ओके नहीं है। तो हमें अभी क्या करना होगा, हम इन दोनों को स्वैप करना है। मतलब ये येलो ब्लू इधर होना चाहिए और येलो ब्लू इधर होना चाहिए, येलो ऑरेंज इधर होना चाहिए। इन दोनों को स्वैप करने की एक फॉर्मूला है जो वो भी मैंने नीचे कंटेंट में मेंशन की है, आप वहीं से देखें। और यहीं और इस केस में आपको मैं और एक बात बता दूं कि ये जो है येलो रेड और येलो ग्रीन, ये भी लग बाय चांस कभी सेट हो जाता है कभी नहीं। कभी कभी आपको शायद ये पूरा रेडीमेड मिलेगा, यानी कि येलो ग्रीन येलो ब्लू ये येलो ऑरेंज और येलो ऑरेंज इधर होगा येलो ब्लू, कम्प्लीटली मतलब रेडीमेड मिलेगा। या तो कभी कभी बुरी किस्मत के मारे हो तो ये पूरे के पूरे 4 पीस आपको अलग अलग जगह पे भी मिल सकते हैं, बट आपको थोड़ी सी अकल चला के यहाँ पे आपको समझना होगा कि मैं जो आपको ये फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ उससे क्या होगा कि मैं जो यहाँ से एक अभी एक फॉर्मूला अप्लाई करूँगा उससे क्या होगा कि ये येलो ऑरेंज जो है वो येलो ब्लू की जगह पे आ जाएगा और येलो ब्लू जो है वो येलो ऑरेंज की जगह पे आ जाएगा। तो अभी आप इसको कैसे अप्लाई करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है अभी क्यूब का। अगर यहीं यहाँ पे आप कोई गलती कर दोगे तो बैक स्टेज जाना थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपको। ओके, होपफुली ऐसा ना हो। तो हम पहले ये अभी येलो ऑरेंज और येलो ब्लू को स्वैप करने की मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। टॉप इनवर्स सॉरी येलो येलो ऑरेंज और येलो ब्लू को स्वैप करने की फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, राइट इनवर्स लाइक दैट, ये राइट को हम ऊपर लेंगे और उसके बाद 2 बार टॉप को घुमाएंगे, टॉप 2 टाइम, उसके बाद राइट इनवर्स
उसके बाद टॉप इनवर्स, उसके बाद राइट, उसके बाद टॉप इनवर्स, और उसके बाद राइट, और उसके बाद एक बार रोटेट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये येलो ऑरेंज जो इधर था वो भी येलो ब्लू की जगह पे आ गया, मतलब जो ऐसा हमें चाहिए था वैसा पूरा सेट हो चुका है। अगर आप चाहें तो मैं एक बार फिर से आपको ये फॉर्मूला दिखा दूं कि सपोज ये मुझे करना तो नहीं है, बट फिर भी अगर मुझे सपोज कि ये येलो ऑरेंज को, येलो ग्रीन को मुझे इधर लाना हो और येलो रेड को इधर लाना हो तो फॉर्मूला क्या रहेगी, बट ये ऐसा करना नहीं है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये राइट, उसके बाद टॉप टू टाइम, उसके बाद राइट इनवर्स, टॉप इनवर्स, राइट, टॉप इनवर्स, और ये नीचे, और ये इधर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो ग्रीन था और ये येलो रेड जो एक्सचेंज हो चुके हैं। यहाँ पे मुझे फिर से फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि मैं करके आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आपको फॉर्मूला नीचे कमेंट कंटेन में मिल जाएंगी, और अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो तो प्लीज़ आस्क एंड कमेंट, और अगर आपको और भी कुछ इसमें समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।